हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक ड्राइव करने वाले हैं बिटवीन द फोक्सवैगन वोल्टस जीटी एंड वरना 1.5 टर्बो पेट्रोल। तो यार ड्राइव काफी डिमांडेड थी, सब कह रहे थे इन दोनों को कंपैरिजन करो, सेम सेगमेंट है, सी लग्जरी है दोनों, और दोनों की पावर भी बहुत सिमिलर है, 160 bhp वरना में और 254 nm ऑफ टॉर्क, और वोल्टस में 148 bhp एंड 250 nm ऑफ टॉर्क। दोनों गाड़ियों की डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, 1500 cc का इंजन है, 7 स्पीड DCT, 7 स्पीड DSG, फ्रंट व्हील ड्राइव। डिफरेंस खाली ये क्या कि ये 1170 किलो की है और ये 1320 किलो की है, तो क्लियरली वहाँ पे एक फर्क आ जाता है यार कि 150 किलो का फर्क है, एक डिसएडवांटेज है वोल्टस के पास। लेकिन यार एक चीज और भी फैक्ट है कि फोक्सवैगन और जर्मन कार्स के जो हॉर्सेस होते हैं वो जितने लिखे होते हैं ऑन पेपर उससे बेटर परफॉर्म करते हैं, और ऑन द अदर हैंड कोरियंस का सबको पता है कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हैं ऑन पेपर के हिसाब से। तो इस ड्रैग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, बहुत सिमिलर आउटपुट है, सिमिलर डिस्प्लेसमेंट है। सिर्फ फर्क आएगा ये कि गाड़ी ये जो है ये 1200 rpm तक रेव होती है लॉन्च के टाइम पे, ये 1400 rpm तक होती है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं आएगा। और वेट का फर्क है जो आएगा, अगर हम वेट की बात करें तो अगर उस पर 4 लोग बिठा देंगे तो इसके बराबर पड़ेगा, 70 लोग, अगर 70 किलो का एक इंसान होगा। तो सीधा ड्रैग स्टार्ट करते हैं, मैं जाने वाला हूँ वोल्टस जीटी में। तो गाइस अभी हम पहले ड्रैग के लिए आ गए हैं, हमारी गाड़ी में दो लोग हैं, AC हम ऑफ करने वाले हैं, फिलहाल ऑन है लेकिन ड्रैग के टाइम ऑफ कर देंगे। ट्रैक्शन ऑफ और गाड़ी हम रेगुलर स्पोर्ट में उठाएंगे, कोई लॉन्च नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। भाई ट्रैक्शन ऑन है ऑफ है? ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ऑफ है, एसी ऑफ है, स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है, हम स्पोर्ट में रख रहे हैं, ठीक है। तो यार हमारी गाड़ी स्पोर्ट में डल चुकी है, एसी ऑफ कर दिया, वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफ कर दिए हैं और ब्लोअर भी ऑफ हो गया है। वैसे अभी पहला ट्राई यहीं से स्टार्ट करते हैं, 3 काउंट देने वाले हूँ। और भाई वरना लॉन्च अच्छी नहीं हुई, वरना आ तो रही है, थोड़ा आ रही है भाई, ये वाली तेज है क्या? और भाई एकदम साथ की साथ निकल गई आगे भाई हल्की, वो हाँ अभी चल रहे हैं भाई, और फिर वोल्टस निकल गई आगे, और भाई 170 हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन ये लॉन्च हल्का लेट हो गया था मेरा यार, वही ब्रेक बूस्ट के चक्कर में हो गया यार, पता ही हिसाब थोड़ा खराब हो गया। चलो कोई, पर वोल्टस का तो पता ही भाई सबको कि लॉन्च हल्का सा आधे सेकंड लेट हो जाए तो उसी में सीन खराब हो जाता है। तो गाइस अभी दूसरे ट्रैक के लिए आ गए, स्पोर्ट में, स्पोर्ट में है गाड़ी, ट्रैक्शन ऑफ है, ब्लोअर भी ऑफ कर दिया गाड़ी का, सर्कुलेशन ऑन है ना, अरे इसे तो ऑन कर लो यार। चलो भाई हाँ मेरे को लग रहा है भाई ये हल्का सा भाई अभी तो वही अभी आ गया, वरना 130 वरना जीत गई भाई, 130 144 फिर 150 पे निकल गई आ गई है, मार दो भाई 150 पे वापस निकल गई थी ये, लेकिन 130 पे वो आगे निकल जाती है, 20 किलोमीटर पर आर के लिए वो आगे रहती है, फिर वापस ही निकल जाती है। तो गाइस इस ड्राइव को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, हमारी वरना वो जो थी वो दूसरी थी लेकिन हमने उसके साथ आउटरो शूट करना रह गया तो इसके साथ कर लेते हैं। तो 135 तक वोल्टस आगे रहती है और खाली बीच में 15 किलोमीटर पर आर के लिए वरना निकलती है आगे, और वो 135 से 150 तक निकलती है, फिर वोल्टस वापस रील कर लेती है। तो अगर हम एग्जैक्ट ड्रैग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 50 मीटर का जो बीच में गैप आता है जहाँ 400 मीटर कंप्लीट होते हैं वहाँ वरना जीतती है, लेकिन अगर हम वैसे देखें कि 135 तक ये आगे रहती है फिर 150 पे वापस रील कर लेती है, तो उस हिसाब से होलिस्टिकली विनर वोल्टस है, लेकिन ड्रैग की विनर वरना रही थी हमारी रेस में। अब इस वरना ने उसके जितना परफॉर्म किया था नहीं किया था, या इस वोल्टस ने बाकी वोल्टस से थोड़ा कम परफॉर्म किया है, वो तो यार हर गाड़ी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे होता है कि उस दिन कैसा चल रही है गाड़ी, गर्म कितना है इंजन, टर्बो में कितना हो रहा है, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टायर कैसे चल रहे हैं, ठंडे हैं गर्म है, बहुत चीज़ें होती, तो वो सारी चीज़ें तो यार सब्जेक्टिव है। इस ड्राइव को इंक्लूड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर वीडियो, बाय।